हेलो एवरीवन, जल्दी से आ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ, मेरे सारे सेशंस को लाइक एंड शेयर करो, है ना। हेलो बच्चा बाजी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा है, याद है? पार्ट नंबर 1 में चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, चैप्टर की टर्म्स पढ़ी। टर्म्स कौन सी? बेसिक्स वाली, मतलब कि कोई भी लाइन को इक्वली कैसे डिवाइड करें ये पढ़ा, कोई भी एंगल को इक्वली डिवाइड कैसे करें ये पढ़ा, और कुछ कॉमन एंगल्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया। फिर एक्चुअल में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो किसी भी लाइन को गिवन रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा, कंस्ट्रक्ट किया, और साथ के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन भी डिस्कस की। आज मंडे के सेशन में कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हो, और आज आपके पास पूरे के पूरे ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल है, क्योंकि आपको मालूम है रुचिका मैम ने इंस्ट्रक्शंस दे दी है, हमें फॉलो करना है, और जितना हैंड्स ऑन रहेगा उतना आपकी एक्यूरेसी जो है ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर आपने पुराना सेशन देखना है तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ अपने सारे टूल्स के साथ। मेरा तो पेन और मेरी इंस्ट्रक्शंस तो रेडी है। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंस्ट्रक्शन का 11.2। क्या है 11.2? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। ठीक है, तो ये जो 11.2 कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी, ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं होगी, ये ट्रायंगल सिमिलर होगी गिवन ट्रायंगल से। कोई ट्रायंगल हमें गिवन होगी, उस ट्रायंगल से हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करनी है, इस तरह से कि हमारी जो नई ट्रायंगल है वो पुराने वाले ट्रायंगल से क्या होने चाहिए, पुराने वाले ट्रायंगल से सिमिलर होने चाहिए। अब सिमिलर है तो कितने सिमिलर है? सिमिलर तो हमने पढ़ा हुआ है, सिमिलर का मतलब दो फिगर सिमिलर तब होती हैं जब उनके एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हों। ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में होती है। कितनी प्रोपोर्शन में होती है, मतलब कितनी बड़ी कितनी छोटी, ये तो आइडिया हमें होना चाहिए ना, वो आइडिया हमें मिलेगा स्केल फैक्टर से। स्केल फैक्टर का मतलब कि जो हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जो सिमिलर होनी चाहिए गिवन ट्रायंगल से, वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो, ये डिसाइड होगा स्केल फैक्टर से। स्केल फैक्टर हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा, और फ्रैक्शन में अगर मैं बोलूं तो फ्रैक्शन जो है हमारा, या फिर या सीधा बोलूं, ये जो स्केल फैक्टर है ये आपको दो तरीके से गिवन हो सकता है, या तो ये लेस देन वन होगा या फिर ये ग्रेटर देन वन होगा। दोनों ही मैं स्केल फैक्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्केल फैक्टर जो है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, या तो वो लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा। एक छोटी सी टेस्टिंग करूं आपकी, सपोज स्केल फैक्टर दिया है 3/4, तो जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3/4 लेस देन वन होता है या मोर देन वन होता है। ये स्केल फैक्टर जो है 3/4, ये लेस की कैटेगरी में आएगा या मोर की कैटेगरी में आएगा? कैसे चेक करते हैं? ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन वन होगा। ठीक है, एक और अगर मैं ले लूं यहाँ पे 6/5, तो अभी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो ये स्केल फैक्टर क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। और ये अगर मैं बात करूं 6/5, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, हमने तो पढ़ा हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बन सकता है, तो कोई मिक्स फ्रैक्शन का अगर आपका स्केल फैक्टर आ जाता है, मतलब वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो वो डेफिनेटली क्या है, स्केल फैक्टर ग्रेटर देन वन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली वो स्केल फैक्टर जो है वो लेस देन वन है। इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों केसेस में जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होंगे।
ठीक है. और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल विद स्केल फैक्टर लेस देन वन. लेस देन वन तो समझे ना आप, मतलब कि स्केल फैक्टर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर क्या होगा छोटा और डिनोमिनेटर होगा बड़ा. तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसी कंस्ट्रक्शन 11.2 की जो प्रैक्टिस है सीधी हम करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है. बुक में आप ओपन करो एग्जाम्पल वन और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट. Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC, that is scale factor 3/4. ये जो 3/4 है ना ये क्या है, scale factor है. Comment section में बताओ 3/4 proper fraction है या improper fraction है. अरे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन वन या ग्रेटर देन वन. कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये 3/4 लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है. ये है लेस देन वन. तो अभी हम पढ़ेंगे 11.2 का जो कॉन्सेप्ट है स्केल फैक्टर ऑफ लेस देन वन. ठीक है, तो स्टार्ट है आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ. यहाँ पे इन्होंने बोला है गिवन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल के बारे में कोई बात नहीं की है, इसकी साइड्स कैसी हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं. कई बार आपको बताएंगे ये, कैसे बताएंगे आगे क्वेश्चंस देखते हैं. तो अभी ऐसा कुछ नहीं बताया. तो रेंडमली आप क्या करो, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो. मैंने भी जैसे जस्ट सिलेक्ट की है और कैसी भी ट्रायंगल. ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको थोड़ा छोटा करें, थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है, ये हमारी गिवन ट्रायंगल मैंने ले ली यहाँ पर. तो आप भी रेंडमली कुछ भी ट्रायंगल ले लो, लेकिन जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे ना तो इस तरह से ड्रॉ करना कि ट्रायंगल के ऊपर चाहे स्पेस हो या ना हो, दो लाइन हो चलेगा, लेकिन नीचे इनफ स्पेस होना चाहिए. कितना स्पेस होना चाहिए ये आपके स्केल फैक्टर पे डिपेंड करेगा. 3/4 स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो आपकी ट्रायंगल अभी बने जो गिवन है वो बड़ी होगी, जो अभी हम बनाएंगे सिमिलर वो छोटी होगी. तो ये नीचे वाला जो 4 है ये गिवन ट्रायंगल के लिए है और जो ऊपर वाला 3 है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं. तो बड़े वाला नंबर 4 है तो आपको क्या करना है, जैसे लाइन को हमने डिवाइड किया था ना पिछले सेशन में, इस तरह से हमें ये जो ट्रायंगल की नीचे वाली लाइन है ना इसको डिवाइड करेंगे. किस रेशो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, रेशो हमारा यहाँ पे बनेगा इस 3/4 के अकॉर्डिंगली, जहां पे 3 जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल का पार्ट है, 4 जो है फुल ट्रायंगल का पार्ट है. फुल ट्रायंगल का पार्ट है मतलब यहाँ पर हम ये जो रेशो बनेगा ना इसका सम नहीं लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल कंप्लीट है. तो नीचे हमारे पास जो नंबर है ना 4, इसके हिसाब से चलेंगे तो नीचे जो ट्रायंगल के लाइंस होनी चाहिए वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए. 2-3 लाइन एक्स्ट्रा कर दो तो यहाँ 3/4 है तो नीचे आप ले लो 6-7 लाइंस. ठीक है, तो इस एस्टिमेशन के हिसाब से फटाफट से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो. ऐसे रेंडमली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, साइड्स और एंगल्स का कोई भी यहाँ पर मेंशन कुछ भी नहीं है. ठीक है, बट उन्होंने ये जरूर बोला है कि इस ट्रायंगल का नाम एबीसी रख लेते हैं. ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर से लिखती हूँ थिकनेस कम करके. तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनी हमारी एबीसी, बना लिया आपने. अब हम क्या करेंगे, ये जो बीसी लाइन है ना इसके नीचे एक रे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसको मैं अब मोटा कर देती हूँ. ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ना इसको भी थोड़ा मोटा कर देती हूँ सिलेक्ट करके ताकि आपको अच्छे से दिखे. ये ट्रायंगल मैंने मोटे कर दी. अब ये जो बी पॉइंट है यहां से मैं एक रे ड्रॉ करना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हमने लाइन को डिवाइड किया था. बी पॉइंट से स्टार्ट होके ये मेरी रे नीचे, कितनी नीचे, 6-7 लाइंस नीचे होनी चाहिए, इतना एस्टिमेशन हम डालेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा एक्यूरेट कर दूं मैं. आप अपने प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ ये ड्रॉ करो रे. ठीक है, तो यहाँ हमारी रे ड्रॉ हो चुकी है. इस रे का नाम मैं रख लेती हूँ इस पॉइंट पे यहाँ पर, इसको मैं येलो कलर से बी एक्स
ओके अब क्या करना है, नीचे फोर पोर्शंस यानी फोर आर्क्स लगानी है इक्वल, तो अपने कंपास लो, अपने सुटेबल रेडियस के साथ ओपन करो, बी पॉइंट पे रखकर फर्स्ट आर्क लगा दो इस तरह से, फर्स्ट आर्क लगने के बाद वहां पुट करो कंपास और ये सेकेंड आर्क, इस तरह से बढ़ते रहो। और हमें टोटल कितनी आर्क्स चाहिए, फोर आर्क्स चाहिए, ठीक है, थ्री बाय फोर स्केल फैक्टर है तो यहाँ पर फोर जो है वो गिवन ट्रायंगल के लिए तो मैक्सिमम फोर है तो हमने ड्रॉ कर ले, ठीक है। अब इनके नेम रख लेते हैं हम, तो हम क्या रखेंगे, बी वन रख ले यहाँ पे, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर। अब ये बी फोर को हमें क्या करना है, सी से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, लाइन सेगमेंट ले लेती हूँ और बी फोर को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया, ध्यान से करना और यही हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर देती हूँ, आप अपने पेंसिल स्केल से बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा सी और बी फोर। अब क्या करना है, हमें ये बी फोर और सी वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ, स्केल फैक्टर है थ्री बाय फोर, मतलब बी थ्री पे बनेगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं एक बार हाईलाइट करूं, यहाँ वाली जो लाइन है सेम हमें ड्रॉ करनी है पैरेलल बी थ्री पे। तो पैरेलल लाइन तो आपको ड्रॉ करने आती है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा है। बी फोर पे कंपास रखेंगे, सुटेबल रेडियस के साथ खोलेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। इस आर्क पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम रख देते हैं, जैसे पीछे रखा है वैसे ही रखेंगे, एम एन, ठीक है। पीछे कहाँ, पिछले पार्ट में, पिछले पार्ट को जरूर रेफर करना आप, ठीक है। और फिर हमने इसी रेडियस के साथ, ये जो हमने आर्क लगाई है ना बी फोर पे रखकर, इसी रेडियस के साथ बी थ्री पे रखेंगे और बी थ्री पे भी एक ऐसे ही सेम आर्क लगा देंगे। उसके बाद M और N जितनी कंपास खोलेंगे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं जैसे पहले रखते आए हैं D, D पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे MN जितना खोल के, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले रही हूँ इस तरह से। फिर क्या करेंगे, ये जो कट हमें मिला है इसका नाम हम रख देते हैं से E। अब ये जो E पॉइंट मिला है, इस E पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, E पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ लाइन सेगमेंट चूज कर लेती हूँ अपनी, B3 को, ठीक है, B3 को E से, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसको व्हाइट कलर कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। मेरे तो खैर पैरेलल लाइन नहीं बनी है, रफ फिगर है, बट आपकी एकदम एक्यूरेट पैरेलल लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन है ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल को कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट, ये सी के रेफरेंस में पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी डैश। ये मैं इधर करके लिख रही हूँ, ये वाला पॉइंट जो है वो है सी डैश, क्योंकि ये सी के रेफरेंस में ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। बच्चा पार्टी बिल्कुल सेम, अभी हमने वैसा ही किया जैसे किसी लाइन को गिवन रेशो में डिवाइड करना, अभी तक कुछ नया नहीं था और आगे भी कुछ नया नहीं है। अब क्या करना है हमें, है ये जो सी डैश है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो ए सी से पैरेलल हो। कैसे हो, ये तो हमें आता ही है। हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे रखकर कंपास को सुटेबल रेडियस के साथ एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, आप सभी लगाओ, ठीक है। सी पॉइंट पे कंपास को रखना है और ये आर्क लगाना है। आर्क लगाने के बाद आपको ये दो पॉइंट्स मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, येलो वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब कंपास को हिलाना नहीं है, ये जो हमें यहाँ पे सी डैश मिला था ना, ये वाला पॉइंट जो है सी डैश, थोड़ा दूर करके लिखा है, ये जो सी डैश है ना, यहाँ पे सेम रेडियस के साथ जैसा सी पे रखा है वैसे ही सी डैश पे रखकर ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको भी हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम हम क्या रखते हैं यहाँ पर, इसको जेड रख देते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड और W ले लेंगे अगला, ओके। Z मिला, अब X और Y जितने कंपास खोलो, Z पे रखो, ये Z पॉइंट है, Z पे रखो और यहाँ पे आग लगा दो, कितना, एक्स वाई जितना। आग लगाने के बाद इसको, ये C डैश है ना हमारा, C डैश और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं W,
ठीक है, यहाँ पे ये सी डैश थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं थोड़ा पास लिखूं तो ज्यादा बेटर है। सी डैश हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। अब सी डैश और डब्ल्यू को हम ज्वाइन करेंगे और फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो लाइन अभी ड्रॉ हुई ना, ये लाइन हमारे एसी से पैरेलल आएगी, ये एरो लगा देती हूँ, ये आपकी एकदम पैरेलल आने चाहिए। ये आगे जाके कहीं कट करेगी ए बी लाइन पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए डैश। और आपको मालूम है हमारे ट्रायंगल जो है वो रेडी हो चुकी है। कौन सी ट्रायंगल है? बी से स्टार्ट होती हुई, थोड़ा सा अगर मैं इस पेन को मोटा कर दूं, इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, ब्लू से करते हैं। बी से स्टार्ट होता हुआ ए डैश, ए डैश से जाता हुआ सी डैश और बी और सी डैश, ये ट्रायंगल आपको देखिए, इसको ब्लू को अगर मैं मोटा कर दूं मैक्सिमम, ठीक है, और यहां पर अगर मैं ये फिल कर दूं, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ठीक है, ये बीच में जेड वेड जो है वो छुप जाएंगे। आप जब दोबारा कंस्ट्रक्ट करके देखो तो आप रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हो। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है ना, दिख रही है आपको, ब्लू कलर की पूरी हाईलाइट कर दी मैंने, ये हमारी है रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, कमेंट सेक्शन में लिखो बच्चा पार्टी। ये जो ट्रायंगल हमारी बनी, तो ये जो हमारी ब्लू वाली ट्रायंगल बनी, इसको अगर मैं नाम रखूं, ये है ए डैश, बी और सी डैश, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ट्रायंगल यहाँ बन चुकी है, हमने आधा जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल वैसा किया जो पिछले सेशन में किसी लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करने वाला कंस्ट्रक्शन था, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, एक बार और पैरेलल लाइन ड्रॉ की और हमारी ट्रायंगल रेडी हो गई है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंस्ट्रक्शन हमारी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद आपको मालूम है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो स्टेप्स की जब मैं बात करूंगी तो सबसे पहला पॉइंट बताओगे बच्चा पार्टी क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, हमने जो ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल वो ली है, ड्रॉ अ ट्रायंगल। अब कुछ बताया तो है नहीं कैसी ट्रायंगल, तो सिंपल हमने लिख दिया ड्रॉ अ ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। सेकेंड हमने क्या किया, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ रे हमने ड्रॉ की ना, बी एक्स रे। रे ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ कितनी आर्क्स, फोर आर्क्स विथ इक्वल रेडियस ऑन कौन सी लाइन या रे, बी एक्स रे पे, ठीक है। जब हमने चार आर्क्स वहां ड्रॉ कर ली तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने जॉइन किया किसको, बी फोर को किसके साथ, सी के साथ। ज्वाइन करने के बाद हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिसका नाम था बी थ्री सी डैश पैरेलल टू बी फोर सी। उसके बाद यहाँ ड्रॉ लिखेंगे वर्ड, उसके बाद हमने फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, वो थी हमारी ए डैश सी डैश पैरेलल टू ए सी। दो बार पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, बी के साथ डैश नहीं है, बी कॉमन है, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी आती है, इसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है, बट फिर भी अगर जस्टिफिकेशन हो तो मैं क्या करती हूँ, जस्टिफिकेशन के लिए इस फिगर को जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट की है इसको नीचे लेके चलते हैं और जस्ट जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। चलो जी फिगर नीचे, आपके पास तो नोटबुक है, नोटबुक के पेज में आगे पीछे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, फिगर को यहाँ पे नीचे ले आई, ठीक है। जस्टिफिकेशन स्टार्ट करें, रेडी है? जस्टिफिकेशन एक क्वेश्चन को प्रूव करने जैसा ही होता है, ठीक है। व्हाइट से ही लिखती हूँ, थिकनेस कम कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन हेडिंग दी,
बताओगे बच्चा पार्टी जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर हैं, साथ का साथ इनका जो स्केल फैक्टर है ना वो 3/4 होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, और जो हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ए डैश बी सी डैश। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों है बच्चा पार्टी, ये देखो दोनों का एंगल बी जो है वो कॉमन है। सबसे पहले तो कॉमन बता दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा बात, अगर मैं यहाँ पे शो करूं फिगर में, ये वाला जो एंगल है सी डैश और ये वाला एंगल जो सी है ये इक्वल है, ए डैश इक्वल टू ए है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना ए डैश सी डैश, ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है ए सी से। तो अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हुए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ corresponding angles of parallel lines। बताओगे कौन सी parallel lines के corresponding angles हैं? ये है A dash, C dash and AC। इन दोनों parallel lines के ही corresponding angles हैं। तो हम क्या बोलेंगे? This implies that triangle ABC is similar to triangle A dash B C dash। सिमिलर ट्राइंगल ही तो बनानी थी, और जो क्राइटेरियन हमने यूज किया वो लिख देते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया ट्रिपल ए, बट यहाँ पे तो हमें बस यही आइडिया हुआ कि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, लेकिन 3/4 रेशियो कहाँ से लाएंगे? आपको मालूम है जब ट्रिपल ए से दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर प्रूव होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी प्रोपोर्शन हो जाते हैं। साइड्स की बात कर रही हूँ मैं, सीपीएसटी की बात कर रही हूँ। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी बाय ए डैश बी इक्वल टू बी सी बाय बी सी डैश इक्वल टू ए सी बाय ए डैश सी डैश। रीजन रहेगा सी पी एस टी, आप पूरा लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स। अब अगर हम बात करें यहां पर बी सी, बी सी एंड बी सी डैश, ये सेंटर वाले की अगर हम बात करें, आप ये बता सकते हो ये रेशियो किसके इक्वल है? बता सकते हो? ये पिछले हमने पार्ट में पढ़ा है ना, जब हमने लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड किया था। इसको इक्वेशन वन ले लो, आगे यूज करेंगे। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल लेना चाहती हूँ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ ग्रीन कलर से। कौन सी ट्राइंगल? बी से स्टार्ट होते हुए सी तक जाते हुए बी फोर पे जाते हुए और वापिस बी, ये ट्राइंगल दिख रही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया यहाँ पर, इसको मैं इरेज करती हूँ और एक बार दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। दोबारा देखो इसे, बी से स्टार्ट होते हुए सी पे जाते हुए देन बी फोर पे जाते हुए और हमारी ये, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली ट्राइंगल है इस पे फोकस डालो। मतलब आप समझ चुके हैं इन ट्राइंगल, क्या नाम है ग्रीन वाले ट्राइंगल का? बी सी बी फोर। इस ट्राइंगल में हमें कुछ कुछ पैरल बन दिख रहा है। यहाँ पे क्या पैरल दिख रहा है? सी डैश बी थ्री इज पैरल टू सी बी फोर, दिख रहा है आपको? रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब ये पैरल होगा, इसका थोड़ा मैं व्यू छोटा कर देती हूँ, ठीक है, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो अगर ये पैरल होगा, ग्रीन ट्राइंगल तो दिख रही है ना, अगर ये पैरल होगा तो हम बोल सकते हैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी बी थ्री अपोन अपोन बी बी फोर इक्वल टू ए सी, नॉट ए सी बी सी, बी सी डैश बाय बी सी, यही होगा ना हमारे बीपीटी थ्योरम। तो आपको मालूम है कि बी बी थ्री अपॉन बी बी फोर कितना है? ये है 3/4, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखूं, यहाँ पर कटिंग नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ बी सी डैश, एक बार फिगर में देखो, बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 3/4।
लेकिन अगर हम ये बात करें, इसको इक्वेशन टू ले लो, अगर हम इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करें, बी सी डैश अपॉन बी सी 3/4 है, ये सेंट्रल पार्ट 3/4 है, तो ये सारा कुछ 3/4 हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन वन एंड टू, हम लिखेंगे ए बी, थोड़ा नीचे चले, हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी डैश इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इक्वल टू 3/4। यही तो हमें रेशियो स्केल फैक्टर प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लास्ट में यो वाला नहीं, अभी हम लिखेंगे हेंस जस्टिफाइड। ठीक है, तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है 11.2 कंस्ट्रक्शन का, इस तरह से हमारा जो है क्लियर हो चुका है। एक बार स्टार्टिंग से देखें, हमने क्या किया था, ये जो ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट की, पहले हमने नॉर्मल ट्रायंगल एबीसी ली, फिर हमने क्या किया, बीसी के नीचे एक रे ड्रॉ की बी एक्स, उस रे पे स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंगली, बड़ी वाली ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली कट्स लगाए, 4 कट्स लगाए, 3/4 का रेशियो था, तो 4 से जो लाइन जा रही है वो 3 से एक और लाइन ड्रॉ की पैरेलल। ये जो 3 से लाइन ड्रॉ हमने पैरेलल की, ये कहीं BC पे कट की, कहां C डैश पे, तो C डैश पे एक लाइन ड्रॉ की हमने A डैश C डैश जो पैरेलल थी AC के, और हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल यहां पे मिल गई, और रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसको मैंने ब्लू कलर किया था, याद है ना, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल यहां पे हमें मिली A डैश B सी डैश, है ना। फिर हमने इसको प्रूव किया, जस्टिफाई किया कि ये सिमिलर है या नहीं है, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से सिमिलर प्रूव हो गया, और साथ के साथ 3/4 जो उसका रेशियो था, जो स्केल फैक्टर था बेसिकली, वो हमने पीपीटी की हेल्प से कर दिया, और साथ के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप यहाँ लाइव चैट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर मेन कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, वहीं पे ही मैं आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस करें, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देखें, ताकि अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो और अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो क्वेश्चन है 2 एक्सरसाइज 11.1 का, स्टेटमेंट पढ़े। तो स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। इस बार ये जो example अभी हमने discuss किया, उसकी तरह given triangle नहीं दिया, इन्होंने proper triangle दिया, तो हमें proper triangle बनाना पड़ेगा, क्या, जिसकी dimensions हैं 4 cm, 5 cm and 6 cm। पहले तो ये triangle construct करना होगा, ठीक है, construct करने के बाद एक similar triangle construct करना होगा, जिसका scale factor है 2/3। ठीक है, और 2/3 से समझ में आ चुका है क्या, लिखो कमेंट सेक्शन में कि ये जो स्केल फैक्टर है, ये लेस देन 1 वाला है या ग्रेटर देन 1 वाला है। जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, हमने लेस देन 1 वाला डिस्कस किया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया। तो करें स्टार्ट, रेडियो अपनी सब ज्योमेट्री बॉक्स के साथ सब कुछ, मैं यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। स्पेस मैनेज जरूर करना है, 4, 5, 6 इसकी साइड्स हैं, तो बड़े वाली साइड को आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, फॉलो करो आप, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो 6 cm, इस तरह से ड्रॉ करो कि ट्रायंगल ऊपर बनती है ना, तो 4 और 5 cm ऊपर आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 5-6 लाइन्स छोड़ दो, मैं भी यहाँ पे 5-6 लाइन्स छोड़ देती हूँ, और यहाँ पर 6 cm की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, आप भी ड्रॉ करो। ये 5-6 लाइन्स ऊपर छोड़ी, और यहाँ पर हमारी ये 6 cm की लाइन इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है, और इस लाइन का नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इन्होंने तो बोला नहीं है, तो इसका नाम हम रख देते हैं BC, A ऊपर आ जाएगा। ठीक है, किया आपने। अब हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे, और 4 और 5 दो साइड्स रह गई है, तो पहले 5 cm ले लो, 5 cm जितनी आप कंपास खोलो, बी पॉइंट पे रखो, और यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दो। ठीक है, सेम अभी रिपीट करना है, 5 cm से किया, अब 4 cm से, लेकिन इस बार सी पॉइंट पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे, एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये मैं लाइन ले लेती हूँ, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये यहां ज्वाइन किया हमने,
और एक और लाइन ले लेती हूं मैं, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें क्या करना है, सी से भी ज्वाइन करना है। तो हमारी ट्रायंगल तो रेडी होगी, मेरी तो रेडी होगी, आपकी हुई। इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या नाम रखेंगे बच्चा पार्टी, इसका रखेंगे हम ए। तो अब हमारी ट्रायंगल जो है रेडी हो गई है, लेबलिंग कर देते हैं। ये जो नीचे वाली साइड है हमने रखी थी 6 सेंटीमीटर, लेफ्ट में बी वाली साइड में 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ट्रायंगल जो है रेडी हो चुकी है। ट्रायंगल के नीचे स्केल फैक्टर 2/3 है, तो 3 के अकॉर्डिंगली 2 एक्स्ट्रा या 3 एक्स्ट्रा 5-6 लाइन्स आप छोड़ दो, ठीक है। 5-6 लाइन छोड़ने के बाद एक रे ड्रॉ करते हैं बी से, ठीक है। रे ले लेती हूँ मैं फिर से, और यहाँ बी से एक्यूट एंगल, ठीक है। ये हमारी रे जो है रेडी हो चुकी है। अब इस रे के ऊपर आर्क्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस, कितनी आर्क लगेंगी 2/3 के हिसाब से, 3 आर्क्स होगी, 1, 2 एंड 3। नाम रखे इनका, इनका नाम होगा B1, B2, B3। चलो आप भी करो इतना फटाफट से लिखो B1, B2, B3। और अब क्या करना है, B3 को ज्वाइन करना है C के साथ, ठीक है। लाइन सेगमेंट ली मैंने, B3 को ज्वाइन करना है C के साथ, ठीक है। थोड़ा मिसमैच हो गया, इसको मैं करेक्ट करती हूँ, आप भी अपना पेंसिल स्केल से एकदम एक्यूरेट करना, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करती हूँ, ये हो गया मेरा तो करेक्ट। अब यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ B3 2/3 का स्केल फैक्टर है, तो सेकेंड B2 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो B3C से पैरेलल होगा। तो फिर कर देते हैं, थोड़ी थिकनेस अभी कम करती हूँ, ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, B3 पे कंपास रखेंगे, आर्क लगा देंगे, सेम रेडियस के साथ B2 पे रखेंगे, आर्क लगा देंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं इनका नाम हम रखते हैं, वही पुराने वाला रखते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है। MN जितने कंपास खोलो, और ये पॉइंट D पे रखो, और यहाँ पर एक आर्क लगा दो, ठीक है। ये वाइट से लगाती हूँ मैं आर्क, ठीक है। और फिर कुछ ज्वाइन करेंगे थोड़ी आगे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये आर्क लगी, और B2 को अब मैं थिकनेस बढ़ा देती हूँ ताकि सेम रहे। अब B2 को इस वाले पॉइंट्स के साथ, कौन सा पॉइंट है ये, डी के बाद हमने लिया इसको ई ही लेते हैं ना हमेशा। अब हम B2 को ई के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और साथ के साथ एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से कि ये जो लाइन बनी है ये BC को कहीं कट करेगी। इस कट पॉइंट को C' ले लेते हैं, और ये जो B2C' है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, B3C, ठीक है। अब ये जो C' पॉइंट मिला है, C' से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा किससे, AC से, ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं। C पे हम रखते हैं कंपास और एक आर्क लगी, C' पे रखते हैं तो आर्क लगी। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं, जैसे पीछे रखा था X, इसको Y, और इसको हमने रखा था Z, और हमें अभी XY जितने कंपास खोलनी है Z पे रखना है, और एक कट लगा देना है जिसको हम ले लेते हैं W। इस पॉइंट को ले लिया W। अब C' और W को ज्वाइन करना है, और आगे एक्सटेंड करना है इस तरह से कि हमें ये जो लाइन मिली है ये AC से पैरेलल है, ये लाइन जो है AC से पैरेलल है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें मिला है ये A' हो गया। तो अब हमें जो ट्रायंगल है A'B C' हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो चुकी है। करें इसको हाईलाइट ब्लू कलर से, बी से स्टार्ट होती हुई A'A' के बाद C' C' के बाद B, इसको कर दूं कलर, तो हमें पता लग जाएगी कि ये ट्रायंगल हमारी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ओके जी, ठीक है। तो हमारी ये ट्रायंगल रेडी हो चुकी है। इसको बाउंड्री भी कर दूं मैं पिंक कलर से, इसको बाउंड्री कर देती हूँ ताकि और अंडरस्टैंडिंग बने। B से लेकर A' A' से लेकर C' C' से वापस B, ठीक है। C' हमारा छुप गया है, वो लिख देते हैं यहाँ पर।
तो हमारी ये जो ट्राइंगल है ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल और जो स्केल फैक्टर है वो है 2/3। लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे पीछे लिखा और जस्टिफाई भी करोगे, जस्टिफिकेशन में टू पार्ट्स रहेंगे, पहला दोनों ट्राइंगल्स मतलब कि एबीसी ट्राइंगल एंड ए डैश बी सी डैश ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, कैसे, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद बीपीटी लगाना है, बीपीटी से हमें जो रेशियो है जो स्केल फैक्टर है वो भी मिल जाएगा और जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये जस्टिफिकेशन एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगर आपको डाउट है तो पीछे आप अभी जो हमने डिस्कस किया है वहां जाके देख कर रेफरेंस लेके आप ये वाला क्वेश्चन अपने नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस और अच्छे से होनी चाहिए और ये जो एक्सरसाइज है 11.1 इसमें जो स्केल फैक्टर है ना हमारा लेस देन 1 उसके आज हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और कल के सेशन में हम फिर से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल होगी, स्केल फैक्टर भी गिवन होगा, लेकिन जो हमारा स्केल फैक्टर रहेगा कल के सेशन में वो रहेगा ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 का थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ही एकदम डिफरेंस रहेगा, वो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है जहां पर हम सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद द स्केल फैक्टर लेस देन 1। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी दी है 6 सेंटीमीटर, एबी दी है 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड नहीं दी है उसकी बजाय हमें एंगल दे दिया। मैंने आपको बोला था ना पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर जो हमारे पिछले वीक का सेशन था, मैंने वहां पे बोला था कि ये एंगल्स आने चाहिए, तो देखो आ चुका है 60 डिग्री एंगल की बात आ चुकी है, तो आपको एंगल्स बनाने आने चाहिए। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हूज साइड्स आर 3/4, स्केल फैक्टर जो है 1 से छोटा है, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो फटाफट से पहले एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो और उसकी डायमेंशंस तो गिवन है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर है और एंगल एबीसी 60 डिग्री है। तो मैं रिकमेंड करूंगी एंगल एबीसी मतलब एंगल बी 60 डिग्री है, तो बीसी को नीचे रखो, वैसे एबी को भी रख सकते हैं, तो एबी को रखेंगे तो राइट साइड बनेगा, बेटर है बीसी लो। और बीसी 6 सेंटीमीटर लेंगे, ऊपर जो है एबी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ होनी है, तो ट्राइंगल जब बनाएंगे जो बीसी लाइन बनाएंगे तो उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से 5-6-7 लाइंस आप ऊपर छोड़ दो, तो नीचे कितनी लाइंस होगी स्केल फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3/4 है तो 4 के हिसाब से 5-6 लाइन नीचे, 5-6 लाइन ऊपर छोड़ दो, 5-6 लाइन नीचे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट की कलर की थिकनेस थोड़ी सी प्रॉपर ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, बीसी लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर इस तरह से कि ऊपर भी 5-6 लाइंस हो और नीचे भी 5-6 लाइंस हो, ठीक है, इसका नाम रखते हैं बीसी जैसे क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। कर लिया ड्रॉ, अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो क्या करना है, आपने कंपास लेनी है सुटेबल रेडियस के साथ, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ कट किया, यहाँ पे आपने अपनी कंपास रखनी है और 60 डिग्री के लिए आग लगा देनी है और इसके बाद ये जॉइन कर देना है, तो हमारी ये लाइन जो है 60 डिग्री की बन जाएगी, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम बी एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा बी एक्स। अब क्या करेंगे, ए बी जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी से ए तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अपनी कंपास खोलो 5 सेंटीमीटर बी पे रखो और कट लगाओ इस एंगल पे, सपोज यहां पर है तो ये हमें पॉइंट मिल चुका है ए, ठीक है, आप कर रहे हैं ना ड्रॉ मेरे साथ साथ, तो ये पॉइंट हो गया ए। अब इस ए पॉइंट को हमें क्या करना है, सी के साथ ज्वाइन करना है, तो मैंने ए पॉइंट से लाइन सेगमेंट स्टार्ट की और ये सी पॉइंट और मेरी ट्राइंगल रेडी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका सेटिंग करती हूँ, आप कंस्ट्रक्ट करो फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया ट्राइंगल ए बी सी, इसकी डायमेंशंस लिख देते हैं, एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री और ए बी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और हमारा ट्राइंगल रेडी।
ट्राइंगल रेडी होने के बाद अभी जो हमने 11.2 जो कंस्ट्रक्शन डिस्कस की, एग्जाम्पल डिस्कस किया, पीछे क्वेश्चन भी डिस्कस किया, वैसे ही करना है। अब हम बी पॉइंट से नीचे एक रे ड्रॉ करें और इस तरह से करेंगे कि हमारे पास इनफ स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, मैनेज करो, मैंने तो मैनेज कर दिया। रे पिक की मैंने यहाँ पर, और तो बी पॉइंट से रे हमारी कुछ इस तरह से, ठीक है, इतनी लेनी है कि फोर कट्स आ जाए, फोर आर्क्स आ जाए। तो बनावा फटाफट से मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। ओके जी, तो ये मेरे यहाँ एडजस्ट हुई बी पॉइंट से रे। अब क्या करना है आपको मालूम है, कंपास खोलनी है, बी पॉइंट पे रखना है, आपके सुटेबल रेडियस होनी चाहिए और यहाँ पर हम लगाएंगे आर्क्स इक्वल रेडियस की, फोर आर्क्स, और यहाँ पर लेबलिंग करते हैं एज बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर। क्या करना है बच्चा पार्टी, अब तो मालूम है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अभी हम क्या करेंगे, बी फोर को सी से ज्वाइन कर देंगे, करो आप भी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करती हूँ थोड़ा अपना। हो गया मेरा एडजस्ट। ठीक है, अब क्या करना है बच्चा पार्टी, अब तो आपको पता लग ही गया 3/4 है, तो हमें क्या करना है, मैं अगर हाईलाइट करूं तो ये बी थ्री से बी फोर वाली लाइन जो सी तक है, बी थ्री से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, बी फोर पे अपने कंपास को रखकर आर्क लगाएंगे और वही अपने पुराने पॉइंट्स एम एंड एन लिख दूं मैं यहाँ पर। अब तो आपको रट गए होंगे मैम के जो फेवरेट पॉइंट्स हैं एम एंड एन, इतनी ही रेडियस के साथ जो हमने बी फोर पे रखी बी थ्री पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे सेम। अब एम एन जितनी कंपास खोलेंगे और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या रखती हूँ मैं बताओ बच्चा पार्टी, इसको मैं रखती हूँ डी, डी पे रखेंगे और एम एन जितना खोल के यहाँ कट लगा देंगे। अब कट को भी आपको मालूम है मैं नाम रखती हूँ ई, अब हमें ई पॉइंट मिला। अब बी थ्री को ई से ज्वाइन करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। अब कुछ मेरी रफ स्केच जो है मेरा पैरेलल दिख रहा है, तो ये बी सी को कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा वो क्या है, सी डैश है। ठीक है, अब आपको मालूम ही है सी पे हम कंपास रखेंगे और एक आर्क लगेगी, याद है इसके क्या नाम रखती हूँ मैं, इसके नाम रखती हूँ मैं एक्स एंड वाई। ठीक है, और फिर उतनी ही रेडियस से हम सी डैश पे रखेंगे और आर्क, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या मिलेगा, जेड। फिर जेड पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आर्क, ये आर्क कितनी होनी चाहिए, एक्स वाई जितनी ओपन होनी चाहिए कंपास यहां पर, और इसका नाम डब्ल्यू। अब सी डैश और डब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे और ये मेरी जिगजैग वाली लाइन, ज्यादा जिगजैग हो गई है ना, और ये मेरी, इसको भी कट करते हैं, यहां पे ये बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, और अब ये सी डैश और डब्ल्यू को ज्वाइन आप कर रहे हैं ना प्रॉपर, अभी थोड़ी बहुत ठीक है, इतना तो चला लो भाई। ठीक है, आई डोंट हैव एनी स्केल तो इतना तो चलेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई और यहां पर जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम ए डैश, और हमारी ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश रेडी हो चुकी है। उठाते हैं अपना ब्लू कलर और ट्रायंगल को करते हैं हाईलाइट। तो हमारी ये जो ट्रायंगल, अभी मैं फिल नहीं कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो हमारी ये ट्रायंगल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और ये ट्रायंगल जो है हमारे गिवन ट्रायंगल से सिमिलर है और इसका जो स्केल फैक्टर है वो है 3/4। तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पिछले जैसे मैंने लिखवाया उसको आप रेफर कर सकते हैं, और जस्टिफिकेशन में वही आप दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे ट्रिपल ए क्राइटेरियन के साथ, और जो स्केल फैक्टर है वो 3/4 कैसे, पीपीटी थ्योरम के साथ। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। जस्टिफिकेशन आप खुद करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी खुद लिखेंगे, जितना खुद करेंगे उतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और मेरा महामंत्र तो आपको मालूम है क्या, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग, और मिलते हैं कब, कल सेम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, लेकिन इस बार रहेगा स्केल फैक्टर
मोर देन वन. तो प्रैक्टिस अपनी करते रहना, ज्योमेट्री बॉक्स के साथ प्रॉपर रेडी रहना. अगर कहीं पे आपको लगा कि मेरी स्पीड ज्यादा थी तो भी रिकॉर्डेड सेशन है, देखना और अपना जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गया उसको जरूर हैंड्स ऑन करना, जरूर कंस्ट्रक्ट करना अपनी नोटबुक में. अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन. तो बोलूं मैं यहाँ पे अपना पुराने वाला क्यूट सा गुड बाय.